जी चल, थैंक यू। मैं थोड़ा सा जो है वो जो चीजें आप एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी उनको थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर देता हूं, ताकि एज ए न्यूज जो है वो सबके जहनों में वो फ्रेश हो जाएं। सबसे पहले आपने जो है वो बी लव टोकन के हवाले से जो न्यूज दी है, उनमें से पहली न्यूज ये थी कि जो बी लव है उसका एक रोड मैप बना है बर्निंग करने का। उस रोड मैप को सस्पेंड करके इसी महीने के अंदर जितनी भी एडिशनल सप्लाई है वो सारी बर्न हो रही है। 20 बिलियन से ऊपर की जितनी भी सप्लाई है इसी महीने बर्न हो जाएगी, और इस बर्निंग के साथ ही जो प्राइस इंक्रीमेंट है वो भी रुक जाएगी। यानी 0.3 सेंट के ऊपर प्राइस है बीएलडी का, जो ऑफिशियल प्राइस है, जो जिसे एवेल्युएटेड प्राइस कहते हैं, तो वो प्राइस भी 0.30 पे रुक जाएगा, और जितनी भी एक्सेसिव सप्लाई है वो बर्न हो जाएगी। यानी दिसंबर के महीने के अंदर आपके पास पूरी सर्कुलेटिंग सप्लाई या पूरी मैक्सिमम सप्लाई 20 बिलियन रह जाएगी, और प्राइस एप्रिसिएशन जो है या एवेल्युएशन जो है इसकी वो खत्म हो जाएगी, और 3 सेंट की प्राइस के ऊपर, सॉरी 30 सेंट की प्राइस के ऊपर ये रुक जाएगा। तो ये एक न्यूज दिया उमर भाई ने। दूसरा न्यूज ये था कि जो बी लव क्लब लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली, कल के दिन में लॉन्च हुआ है, जिसपे बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त सक्सेस मिली है तमाम करने वालों को। जिन्होंने किया ही नहीं, जाहिर है उनकी हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहे हैं, जिन्होंने किया है और टाइम पे किया है, वक्त पर किया है, उन सब लोगों ने उसे उसके स्टार्ट के लिए जितनी अर्निंग अच्छी रिक्वायर्ड होती है वो तमाम अर्निंग्स की हैं और आगे भी करेंगे। तो उसके अंदर जो आईडी नंबर 1 पे अर्निंग हो रही है या आगे चल के जो आईडी नंबर 1 पे अर्निंग होगी ये कंपनी वो भी बंद कर देगी। ये उमर भाई ने भी कहा कि आईडी नंबर 1 पे, और स्कोप बताया है कि अगर इसको अगले 45 डेज तक सक्सेसफुली जो है वो तमाम लोग काम करते हैं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ बी लव की डिमांड आएगी 86 बिलियन की, जितना के है ही नहीं। जब अवेलेबल नहीं होता तो हमें ये असूल पता है, और अभी सबको ये असूल पता है, डिमांड एंड सप्लाई का असूल सबको क्लियर है। तो ये असूल के तहत ये है कि जब 86 बिलियन की आपकी डिमांड आ रही होगी और आपके पास टोटल सप्लाई लॉग्ड अनलॉग्ड मिला के भी 20 बिलियन से ज्यादा नहीं होगी, तो डेफिनेटली उसकी वजह से बीएलबी की प्राइस इंप्रूव करेगी। और दूसरा ये है कि इसके अलावा जो एक बात चंद दिन पहले की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो है वो कंपनी मार्केट से भी बर्न करेगी, यानी 20 बिलियन से भी नीचे लाने की कोशिश करेगी, तो उसमें एक स्टेप ये है कि अगर आईडी नंबर 1 के ऊपर जो अर्निंग है वो अगर 7-8 बिलियन क्वाइंस की होती है तो वो बर्न हो जाएगी। यानी 20 बिलियन कहां रह गया, और फिर आप 10 बिलियन 12 बिलियन की तरफ आपका जो है वो रुख हो जाएगा, अगर ये स्ट्रेटजी इस तरह काम करती है जिस तरह बताया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी में टारगेट्स 100% पूरे नहीं होते, 90% होते हैं, 80% होते हैं, 70% होते हैं, 50% होते हैं। इन एनी केस आपके लिए बी लव टोकन की एक अच्छी डिमांड और आपके लिए बी लव टोकन की जो है वो प्राइस एप्रिसिएशन और आपके लिए एक मैक्सिमम बर्निंग जो है वो डेफिनेटली इंडल्ज होगी सिस्टम के अंदर। इसके अलावा उमर भाई ने चौथा न्यूज दिया है वो ये है कि आपका जो आपने 1% जो पे करना था वो 5 दिसंबर का एक डेट था जो अनाउंस कर रखा था, अब वो 5 दिसंबर को नहीं होगी बल्कि वो 10 दिसंबर को होगी। और उसके साथ टॉपिंग ये है, उसके साथ अच्छी बात ये है कि आप BFIC भी पे कर सकेंगे, अगर आप पे करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो आप BFIC भी पे कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि USDB भी आप पे कर सकते हैं। USDB जिसको अभी कंक्लूड किया था उसमें रेगुलेटर से बात की, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंशन मिल गया, तो फिर ये उमर भाई ने भी लास्ट में बताया कि इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि चलें और जितने लोग कंज्यूम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनको होल्ड करना पड़े, वो 4 महीने का इंतजार करें, अभी चूंकि जब वापिस नहीं ले रहे तो इंतजार बढ़ भी सकता है। तो इसलिए उमर भाई ने अभी बताया है कि आप जो है वो अपना USDB कंज्यूम कर सकते हैं, यहां पर दोबारा से BLV के विड्रॉल में USDB को भी कंज्यूम कर सकते हैं प्लस जो है, और 1% के चार्जेस के ऊपर 10 दिसंबर को प्लस जो है आप उसका BFIC भी पे कर सकते हैं। तो 1% वाला जो ऑप्शन है जो 5 दिसंबर को एक्सपेक्टेड था वो 10 दिसंबर को है, और 2 ऑप्शंस के साथ है, या 1% BFIC पे कर दें उस 24 घंटे में, या फिर 1% जो है वो आप पे कर दें USDB। तो ये पांचवी न्यूज थी। छठी न्यूज उमर भाई ने ये बताई थी कि जो है BLV की लिस्टिंग के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर चल रहे हैं, टॉप 20 की एक और एक्सचेंज है जिसके ऊपर वो उनके साथ एग्रीमेंट
इवेंट फाइनल हो चुका है, अनाउंसमेंट उनकी साथ साथ होती रहेगी, मगर वहां ट्रेडिंग शुरू नहीं होगी, इसलिए ट्रेडिंग के हवाले से आपको ये नहीं उस वहां से एक्सपेक्टेशन लगानी, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लिस्ट, जिस लिस्ट में आपने 50 एक्सचेंजेस पर ट्रेड कराना है, उस लिस्ट में इजाफा हो रहा है और एक्सचेंजेस ऐड हो रही हैं। इसके अलावा उमर भाई ने बताया कि बाइनेंस के ऊपर जो लिस्टिंग है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और इसके अलावा उमर भाई ने इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि जो आपकी ऐप है, जो बी लव, जो जोकर्स की ऐप थी, उस जोकर्स की ऐप का नाम चेंज करके बी लव रख दिया जाएगा, और वो जो है जो गेटवे रहेगा उस जोकर्स की ऐप के लिए, जो कि अब बी लव की ऐप बन जाएगी आने वाले 70-80-50-60 दिन के अंदर, उसको वहां पर जो गेटवे है वो बी लव टोकन रहेगा। तो एक्सक्लूसिवली जो है, आप ये समझ लीजिए कि आप जब मार्केट में आएंगे, आप जब बाइनेंस पे आएंगे, जब आप पूरी दुनिया की मार्केट में बी लव टोकन को ट्रेड कराने लगेंगे, तो आप एक ऐसे टोकन के तौर पर आएंगे जिसके पास बी लव की ऐप की शक्ल में, बी लव की शॉर्ट वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की शक्ल के अंदर आपके पास एक पोर्टल होगा जहां के ऊपर बी लव टोकन इस्तेमाल होता होगा। मीम टोकन का नाम आपने सुन रखा है, तो इसके अंदर वो वाला कॉन्सेप्ट ऐड करके इसको दुनिया की तमाम बड़ी एक्सचेंजेस पर डाला जाएगा, ताकि पूरी दुनिया इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और इस एप्लीकेशन को जिसका नाम बी लव होगा, इसमें ना सिर्फ टिकटॉक वाले फीचर्स होंगे बल्कि ई कॉमर्स की शॉपिंग के भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट होंगे। इसमें जो है वो मैट्रिमोनियल या मैच मेकिंग का पोर्टल भी इसके अंदर ऐड होगा, और इस तरह के दूसरे फीचर भी इसमें ऐड किए जाएंगे, ताकि ये ऐप जो बी लव की ऐप है, ये अपने तौर पे एक पॉपुलर ऐप के तौर पे लोगों के सामने आए, पूरी दुनिया के सामने आए। ये जो चंद एक मिलियन लोगों के साथ बात है, ये बिलियंस ऑफ लोगों के साथ हो, पूरी दुनिया के लोगों को पता हो कि इस तरह की कोई ऐप है, और उसके अंदर आपको बी लव टोकन कमाने और खर्चने का मौका उसके अंदर मिलता है। तो ये सारी न्यूज़ जो थी कि बी लव टोकन के हवाले से थी, जो उमर भाई ने शेयर किया। उसके अलावा डेक्सा का उन्होंने बताया, उमर भाई ने, कि डेक्सा जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे का गिफ्ट है आपका, कि डेक्सा टोकन जो है वो आपको तमाम लोगों को जो डेक्सा टोकन क्वालिफाई किए थे, बेसिकली डेक्सा टोकन किसी ने बाय नहीं किया, डेक्सा टोकन एक प्रमोशन में गिफ्ट के तौर पे दिया था कि जो लोग भी इतना बीएलडी स्टेक करेंगे उनको डेक्सा टोकन गिफ्ट के तौर पे मिलेगा। तो डेक्सा का टोकन 25 दिसंबर को आप सबके वॉलेट्स में आ जाएगा जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। इसके अलावा उमर भाई ने अब बी लव क्लब के बारे में बताया है, बी लव का जो बुलेटो में जो बी लव का क्लब आया है, ए क्लब बी क्लब पहले से मौजूद है, जो बुलेटो में बी लव क्लब आया है उसमें उमर भाई ने बताया है कि एक प्रमोशन ऑलरेडी चल रही है आपके पास, जिसमें आप कोई भी आदमी जो है वो अपनी अपना स्टैंडर्ड और डबल अप, यहाँ पे ए और बी क्लब का नाम अलग अलग है, स्टैंडर्ड और डबल अप प्लान है, तो इन दोनों की 12-12 स्लॉट जो है उनको जो अपना कंप्लीट कर लेगा वो 15 दिसंबर से पहले, तो वो दुबई टूर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक नई प्रमोशन उमर भाई ने अनाउंस किया है कि अगर आपके किसी के भी 10 डायरेक्ट रेफरल्स अगर वो दुबई के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, किसी के भी 10 डायरेक्ट रेफरल दुबई के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उसके लिए $10,000 का कार है, जो कि 2-3 दिन के अंदर उसको लेना है, बेसिकली कंपनी उसको 48 घंटे के अंदर जो है वो पेमेंट भेज देगी, और उसके पास 24 घंटे होंगे जिसमें वो कार बाय करके और अपना उसका जो है वो एक इवेंट करेगा, और उसको उसका जो है वो प्रमोशन एक तरह से हो जाएगा। इसी तरह बुलेटो का जो ऑलरेडी ए बी क्लब चल रहा है, उसके अंदर उमर भाई ने बताया कि एक कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता है रॉयल पूल का, जब आप 8वीं स्लॉट ए बी क्लब की रिसाइकिल कर जाते हैं तो आप रॉयल पूल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रॉयल पूल के अंदर आने वालों के लिए एक प्रमोशन चल रही थी कि जो रॉयल पूल क्वालिफाई करेगा फलां डेट से पहले, उनके लिए $20,000 का कार है, जो कि अभी कल परसों से मिलने के लिए जा रही है उन तमाम लोगों को जो कि अचीव कर चुके हैं। तो अभी कार का प्रमोशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब कोई भी जो है रॉयल पूल क्वालिफाई करेगा तो वो दुबई के टूर के लिए क्वालिफाई कर जाएगा रॉयल पूल में आने की वजह से। और प्लस ये है कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है, आपको पता है 100 रतन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 81 हो चुके हैं। 100 रतन जो है वो एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है, जिनके साथ ना सिर्फ आज वो जो समझ लें कि एडवाइजरी बोर्ड भी कह सकते हैं, आज तो वो उस हद तक है, लेकिन आगे चल करके इनको पूरा कंपनी के अंदर एक पार्टिसिपेशन मिलेगा, इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जो है एक प्रॉपर रोल मिलेगा, यानी एक करियर ओरिएंटेड जगह है 100 रतन। तो 81 लोग उसमें पहले ही प्लेस ले चुके हैं, वो उसका जो क्राइटेरिया था वो आपको पता है, ए और बी क्लब की 8वीं स्लॉट को रिसाइकिल करें तो आप रॉयल पूल में पहुंच जाते हैं। वहां एक मंथली इनकम भी है, जो कि पिछले महीने जो थी वो $18,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो अभी नेक्स्ट मंथ के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितना बिजनेस होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका एक अलग मैकेनिज्म है, वो रॉयल पूल वालों को पता है। तो उस 100 रतन में अभी भी 19 लोग मिसिंग है,
तो आप में से कोई भी अभी एफर्ट करें, मेहनत करें, आठवीं अपनी स्लॉट्स को रिसाइकिल करें, तो 100 रतन में जगह पा सकते हैं। यानी इस कंपनी के साथ जो ऑलरेडी हिस्ट्री इन प्रोग्रेस है, हर एक आदमी को पता है, दोस्त को भी पता है, दुश्मन को भी पता है, जानने वालों को भी पता है, ना जानने वालों को भी पता है कि एवरीथिंग हैपनिंग विद इन द इनोवेशन फैक्ट्री, दिस इज अ हिस्ट्री, दिस इज अ रिकॉर्ड। और अगर ये पॉजिटिवली आगे बढ़ता है तो ये रिकॉर्ड अनब्रेकेबल हो जाएंगे, क्योंकि इतना स्टेमिना, इस तरह की पॉजिटिविटी, इतनी कम्युनिटी और इतना जो मेहनत है और इस तरह की डेडिकेशन जो है वो एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है जो साल हर साल के बाद, डेकेड्स के बाद, सेंचुरीज के बाद बनता है। तो ये ब्लेसिंग्स हैं जो इस कंपनी के पास हैं, इसके लोगों के पास हैं, और जिसके अंदर अभी शुरू में नबील भट्ट साहब ने कहा कि इस कंपनी का पूरा इंटेंशन ये है, और ये बात एक्चुअली उमर भाई की है जिसको भट्ट साहब ने रिपीट किया कि इस कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बचेगी और ना इससे जुड़े हुए किसी आदमी के ऊपर कोई लायबिलिटी बचेगी। तो ये एक इंटेंशन है, ये एक इरादा है जो इस कंपनी के साथ, इस कंपनी को बनाने वाले का है। तो मैं समझता हूं ये इरादा ही काफी है, आप नियत करते हैं चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। इसके अलावा उमर भाई ने BFI क्वाइन के हवाले से कहा है कि BFI क्वाइन बहुत जल्दी आपको दिसंबर के महीने में ही दुनिया के अंदर लाखों क्वाइंस मौजूद हैं, इवन 1,00,000 क्वाइन तो मार्केट क्वाइन मार्केट कैप पर लिस्टेड हैं, उसमें से आप टॉप 100 क्वाइंस की लिस्ट में आ जाएंगे। ये टॉप 100 का मतलब होता है आप ऐसे क्वाइन होते हैं जिसको दुनिया का हर क्रिप्टो से रिलेटेड आदमी रोजाना दिन में 4 दफा देखता है। आप जब भी क्वाइन मार्केट कैप की एप्लीकेशन खोलते हैं या क्वाइन मार्केट कैप का पेज खोलते हैं तो आपको टॉप 100 ही नजर आते हैं और आप टॉप 100 ही देखना प्रेफर करते हैं। और जब आपको बुल रन या इस तरह का कोई सीक्वेंस नजर आता है तो लोग टॉप 100 क्वाइंस में ही इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं की यूजिबिलिटीज देखते हैं, उन्हीं का मार्केट कैप देखते हैं, उन्हीं की सर्कुलेटिंग सप्लाई देखते हैं। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि इस दिसंबर के महीने में आपका BFI क्वाइन जो है वो टॉप 100, दुनिया के टॉप 100 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में आ जाए। और CMC का आपको पता है ये वो एक पोर्टल है जो पूरी दुनिया की एक्सचेंज से डाटा इकट्ठा करता है और क्वाइन मार्केट कैप की बेस पे, रेपुटेशन की बेस पे, आपके आइडिया की बेस पे, आपके जो है वो मार्केटिंग की बेस के ऊपर, आपकी प्राइस की बेस के ऊपर रैंक करके जो है वो आपको रेटिंग करता है। तो आप उसमें टॉप 100 में आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ एक बड़ी न्यूज होगी। इसके अलावा उमर भाई ने बताया कि 10 और एक्सचेंजेस जो है इस महीने के अंदर आप उनकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट भी सुनेंगे और उनमें से बहुत सारी ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर देंगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली आपने विंडेक्स पे, डीप कॉइन पे और जो है वो बायकोनॉमी पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, इसी तरह आप MEXC पे, पॉलिनिक्स पे भी इस महीने में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकेंगे और नई एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट भी सुन सकेंगे। और लास्ट न्यूज जो उमर भाई ने शेयर की है वो मोस्ट अवेटेड न्यूज थी, आप सबके लिए खुशखबरी है, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने BFIC नेटवर्क किया था, उन सबके लिए खुशखबरी है। जहां एक तरफ वो BFIC की प्राइस में एप्रिसिएशन देख रहे हैं, वहां दिल में ख्याल आता है कि मेरे क्वाइन मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता, चाहे वो ना बेचें लेकिन चाहता है दिल के मेरे पास रहें, मेरे पास होते, मैं देखता, मुझे अपनी वैल्यू का एहसास होता कि मेरे पास अगर 1,000 टोकन है और आज प्राइस $29 है तो मेरे पास का मतलब है $29,000 है, और अगर जरूरत होती तो बेचे भी जा सकते थे, ना जरूरत होती तो रखे भी जा सकते थे कि चलो मैं इसको किसी और बड़ी प्राइस के ऊपर बेचूंगा। तो उस चीज के लिए उमर भाई ने अभी अनाउंस किया है कि आपको अगले चंद एक दिनों में आप एक्सपेक्ट करें 14 दिसंबर तक जो है एक प्रॉपर स्केड्यूल मिल जाएगा, एक शेड्यूल मिल जाएगा, जिस शेड्यूल के मिलने के बाद 60 डेज में आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। ये उमर भाई ने बताया कि एट वंस भी दिए जा सकते हैं लेकिन एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। और हर एक वो आदमी जिनके अकाउंट एक्टिव हैं, जो एक्टिव सा मतलब है कि जिनके अकाउंट, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके अकाउंट अब एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो तमाम लोग जिनके अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, जो एक्टिव हैं, जो BFIC नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के जो BFIC नेटवर्क के अंदर स्टेक्ड कैपिटल के तौर पे क्वाइन है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। फरवरी में पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा और सबको मिलेंगे। इसमें वो ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इतने से लेके इतने तक होंगे तो मिल जाएंगे, इतने से इतने तक वालों को नहीं मिलेंगे, बल्कि हर एक को जिसका लॉक्ड कैपिटल है परसेंटेज के एतबार से फरवरी में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उमर भाई ने कहा कि 14 दिसंबर तक आपको शेड्यूल मिलेगा और 14 फरवरी को आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी और ऑनवर्ड जो है आगे आने वाले उस महीनों के अंदर आपको जो है उस शेड्यूल के मुताबिक जो है आपके क्वाइन रिलीज हो जाएंगे। तो ये खुलासा था जो उमर भाई ने डिस्कशन किया मेरे जो है, जिसको मैंने रिवाइज कर दिया ताकि वो तमाम दोस्त जो अभी मीटिंग में लेट आए थे या जो अभी जिनको थोड़ा सा जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, उन सबको ये क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने उस पूरी जो मीटिंग है
क्योंकि मैं पेपर पेंसिल रखकर बैठा था, मैंने तमाम पॉइंट्स को नोट किया, और अगर कोई मिस हो गया तो कोई और भी उसमें ऐड कर सकता है, लेकिन ये तमाम पॉइंट्स हैं जो उमर भाई ने डिस्कस किए। मैं एक और चीज आपको कहूंगा कि भाई इस वक्त वक्त है, बीएफआईसी की प्राइस थोड़ी नीचे आई है, उठा लें, ये आपके लिए अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बीएलएफ क्लब में कितनी तेजी से काम हो रहा है, और उसमें हर बंदे को बीएफआईसी नेसेसरी है, बुलेटो में बीएफआईसी नेसेसरी है। ट्यूसडे वाले दिन हमने गेम ओके लॉन्च करना है, उसमें पेमेंट गेटवे सॉरी ओके एफएक्स लॉन्च करना है, उसमें बीएफआईसी नेसेसरी है। हर जगह बीएफआईसी ही पेमेंट गेटवे है, सिर्फ बीएलएफ के विड्रॉल को हमने यूएसडीबी के साथ अटैच किया, तो बड़ा अच्छा टाइम है। बीएफआईसी इस प्राइस पे आपको मिल रहा है, और आपको इसकी ग्रोथ और इसके पोटेंशियल ये इससे नजर आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे लीडर आजाद कुछ कहना चाहते हैं।